के भीतर अभिमत्ता आती है, अहंकार आता है, अभिमान जब बहुत सिर पर चढ़कर बोलने लगता है तो उसे परमात्मा का नाम हो, चाहे मंत्र हो, चाहे जाप हो, वो बुरा लगने लगता है। अभिमत्ता अहंकार में। अब देखिए कितने सुंदर प्रसंग आया, शिव महापुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्मदेव ने भगवान नारायण से पूछ लिया कि तुम्हारे पिता कौन, बहुत सुंदर संवाद है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ब्रह्मा जी भगवान नारायण से कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता कौन है। श्रीमान कैलाश जी, श्रीमान राम नारायण जी, श्रीमान प्रहलाद जी, श्रीमान ये तो हमारे यहां के पिता हैं, ये तो हमारे पृथ्वी के पिता हैं, ये तो हमारे मृत्यु लोक के पिता हैं, पर यदि सही मायने में अगर कोई तुमसे पूछे, सही मायने में अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा पिता कौन, तो हमें छाती ठोक कर कहना चाहिए हमारा पिता देव अधिदेव महादेव है, हमारा पिता है। और वो सहज नहीं है, यहां के पिता हो सकता है एक बार, यहां के पिता हो सकता है एक आध बार हमारे ऊपर ध्यान ना दे पाए, यहां का पिता हो सकता है हमारे ऊपर एक आध बार ध्यान ना दे पाए। स्वयं शिव महापुराण की कथा कह रही है, दक्ष प्रजापति की सभा में शंकर भगवान बैठे हैं, शिव जी अपने मंत्र जाप में डूबे हुए हैं, राम नाम में डूबे हुए हैं, और उनका ध्यान दक्ष प्रजापति पर नहीं गया। हो सकता है यहां का पिता हम पर ध्यान ना दे पाए, पर इतना जरूर याद रखना कि वो पिता जिसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, वो पिता जो हमें इस भूमंडल पर भेजा है, यहां का पिता भले ध्यान ना दे पर वो परम पिता परमात्मा मेरा ओघरदानी मेरा देवदिदे महादेव ध्यान जरूर देता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, उस पर ध्यान मेरे महादेव का जरूर रहता। और इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से गोविंद नाम ले, ये प्राण तन से ये प्रयास हो वो ध्यान रखे। हमने अभी ओमकारेश्वर की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने श्रवण करा होगा, व्यासपीठ से देवदिव्य महादेव की पवित्र भूमि से कथा चल रही थी, उसमें एक बात कही थी, मनुष्य का मोबाइल ऑफलाइन हो सकता है, मनुष्य का नेट ऑफलाइन हो सकता है, मनुष्य का नेटवर्क ऑफलाइन हो सकता है, पर परमात्मा का नेटवर्क तुम जिस दिन से पैदा हुए हो ना, मां के गर्भ में जिस दिन से आए हो, उस दिन से लेकर मरोगे ना, तब तक भगवान का नेटवर्क कभी फेल नहीं होता, वो तुम्हारे को देखता ही रहता है, वो तुम्हें देखता है। अपने मोबाइल का नेटवर्क फेल हो सकता है, अपने मोबाइल का नेटवर्क फेल हो जाएगा, अपनी सिम बंद हो सकती है, अपना मोबाइल जा सकता है, अपना डाटा समाप्त हो सकता है, लैपटॉप में रखा हुआ डाटा समाप्त हो सकता है, पेन ड्राइव में भरी हुई पेन ड्राइव का डाटा समाप्त हो सकता है, पर उस परमात्मा के दरवाजे का डाटा कभी समाप्त नहीं होता।
उसके पास लेखनी में लिखा है तूने कितना भजन किया, तूने कितना आनंद लिया, तूने पवित्र भूमि में जन्म लेने के बाद भी, तीर्थ में जन्म लेने के बाद भी तेरे भीतर से कपट गया कि नहीं गया, तीर्थ में जन्म लेने के बाद भी तू भगवत भजन करा कि नहीं करा, पावन तीर्थ में जन्म लेने के बाद भी अगर तुम गलत काम करते रहे, ईर्ष्या रखते रहे, निंदा करते रहे, गलत कार्य करते रहे, ये उसके डाटा में जमा है। और मालूम पड़े संसार का मनुष्य एक छोटे से गांव में रह रहा है, एक छोटे से गंडई जैसे क्षेत्र में माँ गंगई की पवित्र भूमि पर आप रह रहे हैं, छोटे से गांव में, छोटे से नगर में, छोटे से शहर में आप रह रहे हैं, और छोटे से शहर में रहने के बाद भी अगर आपके भीतर परमात्मा का भजन है तो याद रखना कि आप तीर्थ में बैठे हुए किसी साधु संन्यासी से बढ़कर आप हैं, क्योंकि आप छोटे से शहर और नगर में रहकर भी भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। छोटे से नगर में रहने के बाद भी आप भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए हैं, भजन में डूबे हुए हैं, कीर्तन में डूबे हुए हैं, और वो भक्ति वो भजन खाली नहीं जाता। एक पत्र है देखिए, भगवान।